अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसी जानकारी को देने वाला हूं जिसे आपका दैनिक जीवन में हेल्प हो। तो बिना किसी ताखिर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज के समय में धीरे धीरे सभी काम कंप्यूटर पर शिफ्ट हो रहा है। इसके बारे में हम ऐसे भी जान सकते हैं कि आज के समय में कंप्यूटर के बिना मानो सभी काम अधूरा सा लगता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा काम, कोई ऐसा फील्ड छूटा होगा जिसमें कंप्यूटर के बिना काम होता होगा। आपको अगर कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसी जानकारी चाहिए तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है वो फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद सेकेंड पार्ट है ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। उस वीडियो में मैं कंप्यूटर से रिलेटेड सभी जानकारी को, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, उसका परिचय हो गया, परिभाषा हो गया, उपयोग हो गया, सारा चीज़ को मैं डिटेल में कवर किया हूँ। तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को देखिए। कंप्यूटर क्या है थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशंस को रिजल्ट के रूप में प्रोवाइड करता है, उसे आप कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो आज मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कुछ बताऊंगा आपको। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर अपनी वर्क कैपेसिटी, पर्पस तथा साइज के आधार पर विभिन्न प्रकार का होता है। कंप्यूटर को तीन आधारों पर बांटा जा सकता है, जैसे एप्लीकेशन, पर्पस उद्देश्य, साइज आकार। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर तीन टाइप्स में बांटा जा सकता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। हम इसमें से सबसे पहले की बात कर लेते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक मात्राओं जैसे दाब, प्रेशर, तापमान, टेम्परेचर, लेंथ, लंबाई आदि को माप कर उनके रिजल्ट को अंकों में कन्वर्ट करके प्रस्तुत करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कि एक थर्मामीटर कोई कैलकुलेट नहीं करता है, लेकिन ये पारे से संबंधित प्रसार की तुलना, रिलेटिव एक्सपेंशन की तुलना करके बॉडी के टेम्परेचर को मापता है। जैसे आपको बुखार आ जाता है तो बुखार को जैसे मापता है, वैसे यहाँ पे बताया गया। इसी प्रकार पेट्रोल पंप पर लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा क्वांटिटी को मापता है और लीटर में दिखाता है तथा उसके मूल्य प्राइस को कैलकुलेशन करके स्क्रीन पर दिखाता है। इसमें सबसे पहले से किया गया प्रोसेस के कारण इन्फॉर्मेशंस को समझकर ही एनालॉग कंप्यूटर इन्फॉर्मेशंस के अनुसार काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक सिग्नल के साथ वोल्टेज और करंट पर आधारित होते हैं और आउटपुट को लगातार दिखाते रहते हैं। आमतौर पर डिजिटल कंप्यूटर की अपेक्षा एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड धीमी होती है, जैसे थर्मामीटर, वोल्टमीटर, स्पीड मीटर। ये कंप्यूटर डेटा को स्टोर करते हैं तथा डिजिटल कंप्यूटर्स की अपेक्षा बहुत अलग तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, जो डेटा डिस्प्ले के सिंबॉलिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि एनालॉग कंप्यूटर से संबंधित सभी कन्फ्यूज़न का आपको दूर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।